परमेश्वर दे नाम दी महिमा और वड्याई होवे। आईए सी परमेश्वर दे पाक वचन विचों पवित्र बाइबल विचों अज दे वचन नूं पढ़ांगे। कूच दी किताब उहदा 12 अध्याय उहदी 21 आयत तों लैके 36 आयत तक परमेश्वर दा पवित्र वचन पढ़िया जाएगा। कूच दी पोथी उहदा 12 अध्याय उहदी 21 वचन तों परमेश्वर दे पाक और पवित्र वचन दे चेता लिखिया है। तां मूसा ने इसराइलियां दे सारे बजुर्गां नूं बुला के आख्या, आपो अपने टब्बर अनुसार लेलियां नूं कट लवो अते पसाह लई कट्टो। तुसीं एक जूफे दी गुच्छी लै के उस नूं लहू विच जिहड़ा भांडे विच है डुबो के सेरू और बूहे दियां दोहां बाहियां उत्ते उस लहू नूं जिहड़ा भांडे विच है लाओ अते तुहाडे विचों कोई सवेर तिकर अपने घर दे बूहे तो बाहर ना जावे, क्योंकि यहोवा मिस्रियां दे मारन लई लंघेगा और जद वह शेरू अते दोहां बाहियां उत्ते लहू नूं वेखेगा तां यहोवा उस बूहे तो पासा दे के लंघ जावेगा और नाश करन वाले नूं तुहाडे मारन लई तुहाड्या घरां विच ना आउण देवेगा। तुसीं अपने और अपने पुत्रां लई इस गल नूं सदा दी विधि मनाया करो। और इउं होया कि जब तुसीं उस देश विच वड़ो जिहड़ा यहोवा अपने कीते होए वचन दे अनुसार तुहानूं देवेगा तां तुसीं इस रीति नूं मनाया करिओ। और अजिहा होवेगा कि जां तुहाडे पुत्र तुहानूं पुछण कि तुहाडा इस रीति तों की मतलब है, तां तुसीं आखिओ कि इह यहोवा दी पसाह दा बलिदान है जो मिस्र विच इसराइलियां दे घरां दे उत्ते दी लंघिया जांदा लंघिया जद उसने मिस्रियां नूं मारिया पर साडे घरां नूं बचाया ता परजा ने सीस नवा के मत्था टेकिया। फिर इसराइलियां ने जाके उवें ही कीता जिवें यहोवा ने मूसा अते हारून नूं हुक्म कीता सी तेवें ही कीता। तां अद्धी रात नूं इउं होया कि यहोवा ने मिस्र देश दे हर एक पलौठे नूं फिरौन दे पलौठे तों लैके जिहड़ा उस दे सिघासन उत्ते बैठण वाला सी उस बंधुए दे पलौठे तीकर जिहड़ा भोरे विच सी नाले डंगर दे हर एक पलौठे नूं मार सुट्टिया। तां फिरौन उस रात नूं उठिया नाले उस दे सारे टहलुए और सारे मिस्री अते मिस्र विच वड्डा स्यापा होया, क्योंकि कोई घर नहीं सी जिथे कोई मरिया ना होवे। तां उसने मूसा अते हारून नूं राती बुला के आख्या, उठो और मेरे लोकां विचों निकल जाओ तुसीं भी और इसराइली भी, और जाके अपने गल दे अनुसार यहोवा दी बंदगी करो, अपने इचड़ भी अते अपने वग भी लै जाओ जिवें तुसीं बोले सी अते चले जाओ, नाले मैनूं भी आशीष देनी। और उन्हां लोकां उत्ते मिस्री कस पाउण लगे कि वह उन्हां नूं उस देश विचों छेती कढ देन, क्योंकि उन्हां ने आख्या असीं सारे मर गए। उन्हां लोकां ने गुन्या होया आटा खमीर होण तों पहलां ही प्रार्थना सने अपने लीड़ियां विच बन के अपने मोढ्यां उत्ते चुक लिया। और इसराइलियां ने मूसा दे बोलण दे अनुसार कीता और मिस्रियां तों चांदी दे गहने सोने दे गहने अते लीड़े उन्हां तों मंग ले। यहोवा ने उन्हां लोकां नूं मिस्रियां दी निगाह विच आदर मान दिता, सो उन्हां ने जो कुछ मंगिया उन्हां ने दे दिता। इउं उन्हां ने मिस्रियां नूं लुट लिया। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। इस दे पढ़े अते सुने जाण ते प्रभु तुहानूं आशीष ते बरकत देवे। आमेन। परमेश्वर दे पवित्र वचन विचों असीं पढ़िया है, ये उस समय की गल है जदों मूसा ते हारून परमेश्वर के आखण के अनुसार मिस्र दे विच गए इसराइलियां नूं छुड़ाउण दे वास्ते।
और अज असीं सिखांगे परमेश्वर दे वचन विचों बलिदान दे बारे। अज परमेश्वर जे पुराने समय दे विच भी बलिदान दे के माफ़ी हुंदी सी, नजात हुंदी सी, छुटकारा हुंदा सी, अज भी परमेश्वर साडे कोलों बलिदान मंगदा है पापां दी माफ़ी दे लई, गुनाहां तों तौबा दे लई। उस समय पछुआं दा, पंछियां दा, डंगरां दा बलि दे के ते पापां दी माफ़ी दे लई खून बहाया जांदा सी। जदों इसराइली मिस्र दी गुलामी दे विच सी ते मूसा ते हरून उन्हां नूं छडाउण वास्ते गए ते जिहड़ा उत्थों दा राजा सी फिरौन उह उन्हां तों गुलामी करवाउंदा सी ते उन्हां नूं जान नहीं सी दिंदा। फिरौन राजे नूं पता सी कि जे इसराइली मिस्र दी गुलामी दे विचों मिस्र विचों चल गए ते साडे लई काम कौन करूगा, साडे लई इट्टा कौन पत्थूगा, जे इह इट्टा नहीं पत्थणगे ते साडे सानूं पैसा कित्थों आऊगा। मिस्र दा राजा जिहड़ा फिरौन सी उह इसराइलियां तों गुलामी करवाउंदा सी और इसराइली गुलामी कर करके थक चुके सी, अक चुके सी। और जदों उन्होंने परमेश्वर नूं पुकारिया ते परमेश्वर ने हरून ते मूसा नूं कल्या मिस्र दे विच गुलामी तों इसराइलियां नूं आजाद करन दे लई। परमेश्वर ने मूसा नूं पहले कह दिता सी कि मैं फिरौन मिस्र दे राजे फिरौन दा मन कठोर कर दवांगा तां कि उह तुहाडी गल ना मन्ने। उह इस करके कि मैं मिस्र दे विच चमत्कार कर सकां, मिस्रियां नूं दस सकां कि मैं सच्चा परमेश्वर जिउंदा परमेश्वर हैगा वां। और लिखिया कि परमेश्वर ने फिरौन दा मन कठोर कर दिता कि मूसा दी गल ना मन्ने। अपने निशान, अपने चंबे प्रगट करने वास्ते परमेश्वर ने फिरौन दा मन कठोर कर दिता। बाइबल विच लिखिया मिस्र दे विच मूसा दे द्वारा दस बवा जिहड़ियां ने उह आईयां और यह दसवीं बवा सी पलोठिया नूं नाश करना, हर एक चीज़ का, डंगर का पलोठा, आदमी का पलोठा, जिदा पहले पुत्र जां डंगर का पहला जिहड़ा जानवर पछु पैदा हुंदा सी उहनूं नाश करन दी यह दसवीं बवा परमेश्वर ने फिरौन दे ते मिस्र दे पाई। जदों उत्थे सारे पलोठियां की मौत हो गई, इत्थों तक कि फिरौन राजे का पहला बच्चा, गुलाम का पहला बच्चा, मिस्रियां का पहला बच्चा जां डंगरां पछुआं का पहला बच्चा, वह एक रात विच सारे नाश होए। जदों परमेश्वर ने मूसा नूं कहा कि तुसी इसराइलियां नूं कहो कि अपने टब्बर के अनुसार एक एक लेला कट लवे। इत्थे भी लेले की बलि दित्ती गई, लेले का खून बहाया गया, बलि दित्ती गई ता कि इसराइलियां का उस मौत तो, मौत के फरिश्ते तो बचा हो सके। लेले की बलि दित्ती गई, खून बहा के उन्होंने अपने भांड्या विच पाया जिदा परमेश्वर ने मूसा नूं कहा सी। परमेश्वर ने कहा सी कि तुसी इसराइलियां नूं कहो कि अपने टब्बर के अनुसार लेला कट के उहदे विच भांडे विच लहू पा के और लहू जिहड़ा अपनियां चगाठां उत्ते बूहे के सेरुआं के उत्ते लाउणा वा और जिहड़ा मौत का फरिश्ता रात नूं आवेगा जिहड़े दरवाजे के उत्ते खून लगा होगा उस घर दे विच मौत दा फरिश्ता प्रवेश नहीं करूगा। बाइबल विच लिखिया इसराइलियां ने इदां ही कीता, इसराइलियां ने एक एक लेला कट्टिया, भांडे च लहू पा के और अपने सिरुआं उत्ते अपने बूहे दीआं बाहीआं उत्ते लगाया कि रात नूं जद मौत दा फरिश्ता आवे ते साडे घरां विच प्रवेश ना कर सके। बाइबल विच लिखिया इसराइलियां दे घरां दे दरवाजिआं उत्ते उह लेले दा लहू लगाया गया, उह लहू दा निशान लगाया गया कि मौत दा फरिश्ता अंदर वास ना कर सके। बाइबल विच लिखा जिन्नियां इसराइलियां दे दरवाजिआं उत्ते लहू लगा होया सीगा मौत दा फरिश्ता उहनां दे घरां च नहीं गया। जिन्हां दे घरां दे दरवाजिआं उत्ते लहू नहीं सी लगा, यानी कि मिस्रियां दे घरां उत्ते, घरां दे दरवाजिआं उत्ते, उहनां दे घरां विच मौत दा फरिश्ता वास कीता, प्रवेश कीता, उन्हां दे पहले पलोठे बच्चे जड़े सी उन्हां नूं मारिया। इस जगह ते कुर्बानी दित्ती गई, इस जगह ते लिखिया इत्थे जो असीं 12 अध्याय दी 27 आयत पढ़ते तो लिखिया तां तुसीं आखियो कि इह यहोवा दी पसाह दा बलिदान है। जे उदों लेले की बलि दित्ती जांदी सी, बकरे की बलि दित्ती जांदी सी, जां किसे पंछी की बलि दित्ती जांदी सी पापां दी माफ़ी दे लई, ते अज भी
परमेश्वर साढ़े को बलिदान मंगता है। अज भी परमेश्वर साढ़े को धन्यवाद चाहता है। अज भी परमेश्वर चाहता है कि असं अपने होठां का बलिदान देिए, अपनी जुबान के नाल, अपने बुलां दे नाल परमेश्वर का धन्यवाद करिए। अज भी परमेश्वर चाहता है कि असी उस परमेश्वर की महिमा करिए। परमेश्वर ने सानू अपनी महिमा दे वास्ते पैदा किया है। मेरे पैर दे प्रभु, जो परमेश्वर ने अब्राहम नूं कहा कि मैं तेरे पुत्र की बलि लैना चाहता वा, बाइबल दे च लिखिया 100 साल की उम्र दे विच परमेश्वर ने अब्राहम नूं एक पुत्र दिता सी जिहदा नाम इसहाक सी। और बाइबल च लिखिया परमेश्वर ने इसहाक दे के अब्राहम नूं कहा कि मैनू इस बच्चे की बलि चाहिए आ। बाइबल दे च लिखिया अब्राहम ने मना नहीं किया, मुकरिया नहीं, अपने पुत्र नूं लैके लकड़ियां लैके उस पहाड़ी दे उत्ते जाण दे लई तैयार हो गया जिथे परमेश्वर ने उन्हूं बलि देण दे लई सद्या सी। लिखा जदों वह बलि देण लगा तो परमेश्वर ने रोकिया, उस जगह ते भी एक लेले की बलि दित्ती गई। वह लेला प्रभु यीशु मसीह नूं दर्शाउंदा है। और नवे नियम दे विच जदों असीं पढ़दे हाँ कि यीशु मसीह भी धरती दे उत्ते इसे लई आए कि साडे पापां दे बदले अपना बलिदान देवे। यीशु मसीह ने भी साडे पापां तों सानूं बचाउण दे लई, साडी मुक्ति दे लई, साडी निजात दे लई अपनी जान दित्ती तां कि असीं बचाए जाइए। मेरे भैण ते प्रभु, उस प्रभु यीशु मसीह ने सानूं निजात देण दे लई, मुक्ति देण दे लई, सानूं पापां तों आजाद करन दे लई अपनी जान दित्ती। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु दा भी सरफा नहीं कीता, इकलौते पुत्र यीशु का सरफा नहीं किया, उन्हें संसार के बदले अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिता ताकि जेड़ा भी यीशु मसीह के नाम के उत्ते निश्चा करे वह जिंदगी पावे। अज सानू भी बलिदान देने की जरूरत है, अपने होठां का बलिदान, अपने बुलां का बलिदान, अपनी जुबान तो धन्यवाद का बलिदान देने की जरूरत है। पर असी लोग कहते हैं कि नहीं, ये चंगा होया कि चर्च नहीं लग रहा, सानू प्रार्थना नहीं करनी पैंदी, सानू जाके उत्थे बंदगी नहीं करनी पैंदी, सानू 2 घंटे जाके उत्थे आराधना नहीं करनी पैंदी। जे चर्च बंद है तो असी अपने घर च बैठ के परमेश्वर नू बलिदान चढ़ाइए, परमेश्वर का धन्यवाद करिए, अपने घरां दीआं चगाठां उत्ते वो पवित्र किया होया तेल का मसा किया होया उस अपने द्वारा उत्ते लगाइए, अपनी प्रार्थना करके परमेश्वर का धन्यवाद करिए प्रार्थना द्वारा ताकि परमेश्वर इस महामारी तो बचावे, परमेश्वर इन्हों बीमारियों तो उन्होंने दुष्ट आत्मा तो बचावे जड़ियाँ इस समय संसार पाई जा। अज असी भी अपने घर दिया दवारा उत्ते, घर के चगाठा उत्ते प्रार्थना वाला वो पवित्र तेल लगा सकते हैं विश्वास के नाल। मेरे भैन दे प्रभु, साडा परमेश्वर साडे तो बलि मंगदा है। बाइबल दे च लिखिया यीशु मसीह ने भी अपनी बलि दित्ती, अपना खून बहाया साडे पापां दे बदले। बिना लहू बहाए पापां दी माफ़ी नहीं सी मिलती, और यीशु मसीह ने भी अपना पवित्र खून बहा दिता। हत्थां पैरां च केल ठकवाए, 39 कोड़े खाधे, कंडिया दा ताज पवाया, वखी दे च नेजा मारिया गया, भारी सलीब यीशु मसीह दे मोढे ते रखा के कलवरी पहाड़ तक उहनूं लैके जानी पई। जरा सोचो किन्ने दुख, किन्नी भयानक मुसीबत जिहड़ी यीशु मसीह ने साडे पापां दे बदले अपने शरीर ते चली है। अज सानू उस प्रभु की कुरबानी नू याद करने की जरूरत है, अज सानू प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करने की जरूरत है, अज सानू प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने की जरूरत है। मेरे भैन प्रभु, अज बहुत सारे भैन भरा ने जिहड़े प्रभु यीशु मसीह की कुरबानी नू भुल गए ने, बहुत सारे भैन भरा ने जिहड़े प्रभु यीशु की उस कुरबानी नू जिहड़ी कलवरी क्रूस उत्ते प्रभु ने कुरबानी दित्ती साडे पापां दे बदले, अज भी बहुत सारे भैन भरा ने जिहड़े पापां दे विच फसे होए ने, उन्हां पापां दे विच जिन्हां पापां तों प्रभु यीशु मसीह ने सानू निजात दित्ती सी, छुटकारा दित्ता सी। अज भी बहुत सारे भैन भरा पाप दे गुलाम ने, नशे दे गुलाम ने, शैतान दे गुलाम ने, उस उन्हां चीज़ां दे गुलाम ने जिहड़ियां चीज़ां दे चों प्रभु यीशु मसीह ने सानू अपनी जान दे के आज़ाद किया सी। याद रखिए यीशु मसीह की कुरबानी के द्वारा असी आज़ाद किए गए सी। जे अज भी असी पाप कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं, चर्च नहीं जा रहे, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो इहदा मतलब असी फिर तो ही पाप दे गुलाम हाँ। इहदा मतलब असीं फिर तो उही चीज़ां दे विच फस चुके हैं जिहड़ियां चीज़ां दे विच यीशु मसीह ने सानू बाहर कढ़िया सी अपनी कुरबानी दे के।
ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਾਕ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦਿੱਤੇ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ, ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦੇਵੇ। ਲਹੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਬਹਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਪਾਪ ਦਾ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੇਲਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੋਠਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਚਾਏ ਜਾਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਲੇਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਇਸਰਾਇਲ ਬਚਾਏ ਗਏ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਠਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਬਲੀਦਾਨ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ। ਜੇ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਖੁਦਾਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ।